नमस्कार मैं मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं खबर बिहार से आ रही है बिहार से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा साहब बिहार के आपको पता होगा लालू के जो पुत्र हैं जो अपने आप को लालू का शिष्य भी मानते हैं तेज प्रताप यादव जहां तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए आज बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है और इस ऐलान से राजनीतिक मामले दो हम जो है 2019 के जो आंकड़े बन रहे थे जो कुछ बन रहा था वह सब कुछ बिगड़ता नजर आ रहा है मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा आपसे आशा करता हूं आप वीडियो को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो देश की जनता तक सच पहुंचता है तो आपको अब इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या है पूरा मामला किस प्रकार से आज तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है नीतीश कुमार उनके नीतीश कुमार के साथ आने का ऐलान साफ संकेत और जिस प्रकार से एनडीए में नीतीश कुमार है एनडीए में साफ संकेत है कि अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है पूरी खबर आपसे बताऊंगा और एक आशा मैं आपसे करता हूं फिर आशा करता हूं अनुरोध करें करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे सीधे आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला तेज प्रताप यादव आपको पता है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं और तेज प्रताप यादव कई दिनों से जब से उनके और उनके बी जो नई नवेली शादी हुई थी उनकी वाइफ ज से जो चल रहा था अब तक शौर्या से जो चल रहा था उनका पंगा वो अब थमता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन आज वह सब इन सब चीज़ों से अलग हटते हुए आपको दो तीन दिन पहले आपने देखा था कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव नए घर में अपने शिफ्ट हुए थे पटना के नए घर में आप अलग से शिफ्ट हुए थे लेकिन अब जब वह वहाँ घर में शिफ्ट हो गए हैं तो उन्होंने एक चीज़ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं और वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं जी हाँ साहब कुछ ही दिनों में बड़ा ऐलान करने वाले हैं और उसमें भी एक चीज़ उन्होंने साफ कर दिया है कि तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके व्यक्तिगत संबंध है कहा कि राजनीतिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि अपने पिता लालू यादव की ही नकल करते रहेंगे लेकिन साथ ही सफाई भी दी है कि वे अपने मामा साधु और सुभाष यादव के इशारे पर राजनीति में सक्रिय नहीं हुए थे बल्कि उनका यह अपना फैसला था और आम मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्ण रूप से सहमत हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे जिस तरह से मेरे पिता से का मैं मेरे गुरु रहे उसी प्रकार से मैं नीतीश कुमार को भी फॉलो करता हूँ और और आगे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा खरसाज बाद अपने जो बंगले में कर जो अपना उनका खरमास में एक बंगला है जिसको मिल चुका है उसमें शिफ्ट होने उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसके बारे में क्या कहा है उन्होंने कहा है अपने ऐश्वर्या राय के तलाक के लिए पटना के अदालत में मुकदमा दर्ज करने के बाद एक, एक महीने से अधिक मैंने बताया समय से राजनीतिक से दूर रहकर काशी वृंदावन यात्रा पर चले गए थे तलाक के इस मामले में उनके उन्हें परिवार का साथ नहीं मिल रहा था इसी कारण पटना वापस लौटने के बाद भी वह अलग रह रहे थे उन्होंने सरकार के से अपने बंगला मांगा था जो उन्हें मिल चुका है और उम्मीद है वो अभी जल्द से जल्द उसमें शिफ्ट हो जाएंगे उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि बंगला मुझे दिलाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरी मदद की है यह भी कहा है कि नित नीतीश कुमार से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं वह वैसा ही है जैसा सभी नेताओं का होता है वैसे तेज प्रताप ने कहा कि पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री के नाते उन्हें घर चाहिए था जो मिल गया वेदित हो कि तेज प्रताप यादव ने अपने लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर बंगला मांगा था चुनाव व्यस्तता के कारण लालू प्रसाद के बड़े बेटे विधायक होने के कारण नाते पार्टी दफ्तर के जनता दरबार लगाने के दौरान वरिष्ठ नेताओं के अनुपस्थित अनुपस्थिति पर प्रदेश प्रताप ने कहा कि प्रदेश के राजद अध्यक्ष चंद रामचंद्रपुर बीमार चलने में दिल्ली में इलाज करा रहे हैं अन्य ने नेता चुनाव में कारण व्यस्तता में है लेकिन यहां पर एक चीज़ साफ माना जा रहा है कि मामा जो साधु यादव के समर्थन में लग रहे थे कयास वो कुछ अब वहां पे एक चीज जो उसमें विराम लग रहा है क्योंकि हाल ही में जनता दरबार में उठे एक मामले में को लेकर तेज प्रताप ने से पटना के फुलवारी थाना अध्यक्ष ने बदतमीजी की थी इसके बाद आहत होकर सीधे तेजप्राम थाना पर धरना देने पहुंच गए थे वहां राजद का कोई बड़ा नेता तो नहीं दिखा लेकिन मामा साधु यादव पहुंचे थे पर लालू परिवार के लंबे समय से दूरी बनाए वाले साधु यादव ने इस तरह से तेजस्वी वादों के समर्थन में खड़े हैं राजनीतिक अर्थ लगाए जा सकते हैं और आज जिस प्रकार से सीधा सीधा बयान आया है कि नीतीश कुमार हमारे नीतीश कुमार के संबंध अच्छे हैं और इस प्रकार से पार्टी से अलग होके एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाना और वहाँ से नीतीश कुमार की बड़ाई करना और उनने कहा कि हमारे राजनीतिक रिश्ते अच्छे हैं नीतीश कुमार से एक और एक उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय में भी उन्होंने इशारा किया है कि शायद वह कुछ एक बड़ा धमाका करने जाना है वह बड़ा धमाका क्या होगा यह सोचने वाली बात है कि क्या वह एनडीए में शामिल होने की बात नीतीश कुमार के साथ आने वाली बात जो खबर आ रही सूत्रों के हवाले से वह शायद सही होगी क्योंकि इस प्रकार से राजनीति में अगर कोई किसी की बड़ाई तनिक भी करता है तो उसका मतलब ढूंढा जाना चाहिए और जब खासकर ऐसा मौका हो जब चुनाव नजदीक हो चुनाव का मौसम हो चुनावी मौसम में अगर कोई इस प्रकार से बयान बयान देता है तो हाँ वह राजनीतिक तौर से भी देखा जाना चाहिए और आज यह साफ हो गया है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यशस्विया दोनों के बीच में जो चल रहा अब तक वह कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था उस अच्छे में अब देखिए साफ़ हो गया है कि लालू प्रसाद यादव तेज बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि अब हम अपने नीतीश कुमार और उनके जो आ, सहयोगी दल हैं उनके साथ जाने के लिए पूरी तरह साथ तैयार हैं उसी तरह से तेज प्रताप के मामा का अचानक राजनीति में सक्रिय होना और साधु मां यादव का उनके साथ आना सुभाष यादव का उनके साथ ना। दोनों तेज प्रताप यादव के समर्थन में बयान भी दे रहे हैं इस पर सफाई तेज प्रताप ने अभी तक कुछ नहीं कहा है वह सिर्फ और सिर्फ उन सबको सुन रहे हैं और इससे पहले भी वो खुद को कृष्ण या तेजस्वी को अपना अर्जुन बनाने के तेज प्रताप ने आगे कहा कि मामा का वध करके कृष्ण ने ही किया था कहा था तेजस्वी के साथ है। दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी इससे पहले कहा था लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं उस मामले पे ऐसा साफ दिख रहा है कि साहब आ, कहीं ना कहीं वहाँ बिहार के राजनीति में 2019 में आने वाले समय में कुछ न कुछ नए समीकरण बनने के आसार नजर आ रहे हैं मैं आपको इससे पहले आ, मैं आपसे आशा करता हूँ वीडियो को जरूर शेयर करना दूसरा मैं हम लोग काफ़ी दिनों से एक जनसंख्या नियंत्रण मुहिम पे हमें एक पेज हमने बनाया हुआ लेकिन उस पेज पर काफ़ी दिनों से हमने प्रमोशन्स भी नहीं किए हैं प्रमोशन्स के लिए इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग आखिर उसके साथ जुड़ें क्योंकि अगर लोग उसके साथ उस पर जुड़ेंगे तो लोगों को जो हमारा अब मुहिम है कि जनसंख्या नियंत्रण मुहिम में लोग एक साथ जुड़ें हम ये चाहते हैं कि उस पेज पर जाकर के आप फेसबुक पर सर्च करें जनसंख्या नियंत्रण मुहिम करके हमारा लोगो भी वहाँ पर आपको नजर आएगा लोगों पर जिस तरह से एक जनसंख्या नियंत्रण मुहिम का एक फ़ोटो के साथ लोगो भी होगा उस पेज को लाइक करें क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण मुहिम में सबसे बड़ी बात है कि आने वाले 2050 तक जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है देश की सरकारें उसको ज, उसको चेत नहीं रही रही क्योंकि जिस तरह से हमारे संसाधन घट रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन कंट्रोल पर अगर नियम नहीं बनाया गया तो 2050 तक आने वाले 2050 तक पानी की कितनी किल्लत होगी बेसिक संसाधनों की कितनी किल्लत होगी यह सोचने वाली बात होगी लेकिन सरकारें सिर्फ़ और सिर्फ बेरोजगारी गरीबी और जाति को मुद्दा बना करके अब तक चलती आ रही हैं और अभी भी इस पर कोई नहीं जिताया जा रहा है कोई भी सरकार हो किसी भी सरकार को अभी इस पर सोचना पर चाहिए और इस पर एक कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए वैसे एक बात सही भी है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार से कई कड़े एक्शन लिए हैं उस पर विपक्ष हमेशा से साथ नहीं आया है इस पर भी यही खड़ा होगा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा तो उसमें विपक्ष एक बात साफ करेगा कि इसमें धर्म के तरीके से लाए धर्म को देख करके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है क्योंकि मुसलमानों में देखा गया है कि उनके यहाँ लगभग ये सच बात है और फैक्ट भी है कि उनके यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई इस तरह का कोई वो लोग फॉलो नहीं करते और उनके यहाँ पॉपुलेशन के घर में एक एक परिवार दस दस से पंद्रह पंद्रह बच्चे पैदा करता है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अगर कोई हिंदू धर्म के लोग उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने में आगे आते हैं लेकिन उसी में मुसलमान को बढ़ाते हैं आप अगर नई पीढ़ियों को देखेंगे तो हिंदुओं में मुझे लगता है एक दो या तीन मैक्सिमम होंगे लेकिन मुसलमानों में यह संख्या बहुत ज़्यादा है यह मैं यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आने वाले समय में आने वाले समय में देश के जो हालात हैं उस हालात को सुधारना होगा आपको समझना होगा कि आप अगर धर्म के चक्कर में आकर के सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो आने वाले समय में आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको वाकई में अगर गलत कहेंगी तो उसमें उसका उसका मेन जिम्मेदार होंगे वो आप ही होंगे तो सरकारों से मेरा आपसे अनुरोध है उस पेज के साथ जनसंख्या नियंत्रण मुहिम हिंदी में सर्च करें फेसबुक पे जाएं हमारा लोगो भी उस पेज के सामने जो मेन टाइमलाइन है उस पर फेसबुक फ़ोटो के साथ हमारा थंबनेल है पेज से जुड़ें लाइक करें और हम चाहते हैं कि सरकारें जगह और आ, देश का विकास हो गरीबी और भुखमरी इस सब चीज़ से ज़्यादा हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण है जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा उस दिन हमारा देश और तरक्की करेगा मैं वीडियो खत्म करूँगा आपसे आशा करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद